नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और माय उपचार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पीरियड कम आना इसके बारे में जानकारी दूंगी। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हम इन विषयों के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। इसका फलस्वरूप ये होता है कि महिलाएं अंदर ही अंदर परेशान होती रहती हैं। इसलिए आज मैं इन सभी बातों की जानकारी आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हर महिला का मासिक चक्र जो होता है वो अलग होता है। हर महिला को बहुत बारीकी से अपने मासिक चक्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपका महीना कितने दिन के लिए आ रहा है और आपके महीने के दौरान आपकी ब्लीडिंग कितनी हो रही है, आपको ये सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो मासिक चक्र क्या होता है, मैं अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि मासिक चक्र जो होता है वो आपके महीने की पहले दिन से आपका जो अगले महीने का पहला दिन होता है उसके बीच में जितने दिन होते हैं उसे हम मासिक चक्र कहते हैं। नॉर्मल में महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है वो 21 दिन से लेकर 38 दिन तक ये नॉर्मल माना जाता है। वैसे तो नॉर्मल 28 से 32 होता है, बट अगर आपका मासिक चक्र 21 दिन का हो या 38 दिन का हो तब भी वो नॉर्मल ही माना जाता है। और नॉर्मल में जो ब्लीडिंग होती है वो 2 दिन से 7 दिन तक की ब्लीडिंग को हम सही मानते हैं, हम नॉर्मल मानते हैं। अगर हम देखते हैं कि ब्लीडिंग का माना क्या होता है, मतलब महीना का माना क्या होता है। महीना का माना होता है अगर हमारे ब्लीडिंग के जो दिन हैं वो कम हैं या महीने के दौरान हमारी ब्लीडिंग जो है उसकी मात्रा कम है। इसका मतलब या तो हमें पीरियड्स कम दिन के लिए आ रहे हैं या हमारे पीरियड्स जो हैं वो सही दिन के लिए आ रहे हैं जैसे होने चाहिए, बट ब्लीडिंग हमारी कम है। इन दोनों ही सूरतों को हम पीरियड्स कम आना कहते हैं। अब हम देखें कि क्या कम है और क्या नॉर्मल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होना ये नॉर्मल है। अगर आपकी ब्लीडिंग 2 दिन से कम है तो इसको कम ब्लीडिंग कहते हैं या कम महीना कहते हैं। अगर आपकी ब्लीडिंग के दौरान, अगर आपके महीने के दौरान आप तकरीबन 7 से 8 सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज़ करती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ब्लीडिंग कम है। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि अगर आपकी आपके जो पीरियड्स हैं वो 2 दिन से कम हो रहे हैं तो इसको कम महीना कहते हैं। और अगर आप एक मासिक महीने के दौरान आप 7 से 8 सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज़ कर रही हैं तो इसको भी कम महीना कहते हैं। पीरियड कम आने इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है हॉर्मोन्स का बदलाव। अब हॉर्मोन्स का बदलाव कब ज़्यादा होता है, अगर आपकी उम्र 12 से 14 साल है, कुछ ही समय हुआ है कि आपके पीरियड्स शुरू हुए हैं तो आपके पीरियड्स कम आ सकते हैं। अगर आपकी उम्र 45 से 55 साल के बीच में है और आपके पीरियड्स जो हैं बंद होने वाले हैं तो इस समय भी आपके पीरियड्स कम हो सकते हैं। अगर आपने हाल ही में कुछ समय पहले ही आपने एकदम से वज़न बहुत बढ़ा लिया है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा गिर गया है, दोनों ही सूरतों में हमारे हॉर्मोन्स का बदलाव होगा और हमारे पीरियड्स कम आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग करी है, आपका वज़न एकदम बहुत ज़्यादा 5-7 किलो कम हो गया है, तो इस स्थिति में आपके पीरियड्स कम हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बहुत जल्दी वज़न बढ़ा लिया हो तब भी आपके पीरियड्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी है, हो सकता है कि आपने स्विमिंग करी हो या आप कोई एथलीट हैं, आप बहुत ज़्यादा भाग रही हैं, तो इस समय भी आपका पीरियड जो है वो कम हो सकता है। पीरियड कम कब तब भी होता है अगर आपने अभी अभी शिशु को जन्म दिया है, आपकी अभी भी डिलीवरी हुई है और आप बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, तब भी आपका पीरियड कम भी आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पीरियड ना आए। इसके अलावा कई महिलाओं को पीरियड तब भी कम आता है अगर वो कोई गर्भ निरोधक प्रक्रिया इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि अगर आप गर्भ निरोधक गोली यूज़ कर रही हैं, आपने कोई गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाया है जैसे डिम्पा, इस दोनों ही स्थिति में आपका पीरियड कम आ सकता है। पीरियड कम आने का एक और बड़ा कारण होता है और वो होता है थायराइड। थायराइड की परेशानी हमारे हॉर्मोन्स को बदलती है। हमारे जब हॉर्मोन्स बदलते हैं तो हमारा पीरियड कम हो सकता है।
इसलिए हमेशा हमें इस पर भी ध्यान देना है कि हमारा जो वजन है वो, अगर हमारा वजन जो है वो कुछ महीनों से बढ़ रहा है तो हमें हमारा तो हमें इसको थायराइड का संकेत भी लेना चाहिए। पीरियड कम आने का एक और कारण होता है, वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी PCOD। बहुत महिलाएं इसके बारे में नहीं जानती हैं, बट अगर आप ध्यान दें तो कई महिलाओं का पीरियड जो है वो कम आना शुरू हो जाता है। जैसे कुछ महीने पहले आपका पीरियड सही आता था, पर कुछ महीनों से आपके जो पीरियड में ब्लीडिंग है वो भी कम हो रही है और पीरियड भी जो है वो कम दिनों के लिए आ रहा है। इसके साथ अगर आपका वजन बढ़ रहा हो, आपके शरीर पे बाल आ रहे हों जहाँ पर वो पहले बाल नहीं थे, आपके चेहरे पे बाल आ रहे हों, आपके चेहरे पर मुहासे आ रहे हों, आपके बाल गिर रहे हों, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का संकेत होती हैं। हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी हमारे पीरियड्स कम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीरियड्स कम आने के बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पीरियड्स शुरू से ही उतने दिन के आते हों, पीरियड्स के दौरान शुरू से ही उतनी ब्लीडिंग होती हो तो वो नॉर्मल है। और अगर हम ध्यान देते हैं कि हाल ही में कुछ 2 या 3 महीने से हमारे पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग भी कम हो रही है और हमारे पीरियड्स भी कम दिन के लिए आ रहे हैं, तो हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसका कोई कारण हो तो डॉक्टर आपकी मदद करेंगे उस कारण को ढूंढने के लिए। आपको डॉक्टर को ये सारा अपना जो मासिक चक्र के बारे में ये सारी जानकारी देनी है, आपका वज़न बढ़ रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, आपको डॉक्टर को ये भी बताना होता है। डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करेंगे। इस चेकअप के दौरान वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है वो PCOD की जो बीमारी होती है उसको पकड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा डॉक्टर कुछ खून की जांच करवाएंगे, जैसे हो सकता है वो आपका हीमोग्लोबिन चेकअप कराएं, डॉक्टर आपका थायराइड का टेस्ट कराएंगे, कई डॉक्टर आपका सीरम प्रोलैक्टिन का टेस्ट भी करवाते हैं। ये सब जानकारी, सारे हॉर्मोन्स के लेवल की जो मात्रा होती है, इससे डॉक्टर को ये जानने में मदद मिलती है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो कम क्यों आ रहे हैं। जब डॉक्टर को ये कारण मिल जाता है कि आपके पीरियड्स कम क्यों आते हैं, तो वो आपको कुछ हॉर्मोन्स की टैबलेट देंगे। ये हॉर्मोन्स की जो टैबलेट्स होती हैं, कई डॉक्टर 3 महीने के लिए आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार डॉक्टर आपको 3 महीने के लिए दे सकते हैं, या आपको डॉक्टर 6 महीने के लिए भी ये हॉर्मोन की टैबलेट्स दे सकते हैं। इन हॉर्मोन की टैबलेट्स को अगर आप खाते हैं तो जो हमारे आपके अंदर हॉर्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है वो ठीक हो जाता है और पीरियड्स जो है पहले की तरह ही आपके वापस नॉर्मल हो जाते हैं। डॉक्टर आपको अपनी आपकी जीवन शैली को बदलने की भी सलाह देते हैं। जीवन शैली को बदलने का मतलब होता है कि आपको अपना वेट जो है, आपको अपना वजन जो है उसे कंट्रोल में रखना है। ना आपका वेट एकदम से बढ़ना चाहिए, ना आपका वेट एकदम से कम होना चाहिए। इसके लिए आपको संतुलित आहार लेना है और आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज का कोई पैटर्न करना है, जैसे आप दौड़ सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं। अब डाइट कंट्रोल से मेरा ये मतलब है कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में फल भी हो, सब्जी भी हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, तला, इन चीज़ों को अवॉइड करें और एक अच्छा संतुलित आहार लें, जिससे आपका वजन भी ठीक रहे, आपके हॉर्मोन्स का बैलेंस भी बना रहे और आपके पीरियड्स भी सही मात्रा में और सही समय पे आए। आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको ज़रूर लाभ देगी और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के जो बनाए गए वीडियोस हैं उनको शेयर करिए और देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और अगर इस विषय में आपको मेरे से कुछ और बात पूछनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।